नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। हाँ भाई बहनों, जैसा कि आप लोगों ने खुद सुना कि अगर आपका जनधन खाता है तो केंद्र सरकार उसमें रुपए डालेगी। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को जनधन योजना के अंतर्गत पैसा मिलना चालू हो चुका है। और अगर आप लोग के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, आपके परिवार को प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि जनधन योजना के अंतर्गत मिलेगी, जैसे हमारे देश में 11 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधे उनके जनधन खाते में मिलती है। हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने जनधन योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करने की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। निःशुल्क का मतलब होता है आपका 1 रुपए नहीं लगेगा। आपको सिर्फ पैन उठाना है, फॉर्म भरना है, आवेदन करना है, जिसके बाद प्रति महीना आपको आपके जनधन खाते में 1,500 रुपए मिला करेंगे। आपको बता दे भाई बहनों, ना आपको किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने हैं, ना कहीं बहसबाजी करनी है, सीधे एक आवेदन करना है, जिसके बाद आप लोग को प्रति महीना जो 1,500 रुपए मिलेगा उससे आप लोग अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। भाइयों बहनों, एक आम आदमी के लिए प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि बहुत मामूली सी धनराशि हो सकती है, लेकिन हमारे देश में जो गरीबी रेखा में आते हैं वो लोग इसी से अपने घर का लालन पोषण कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार ने कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, 2 दिन पहले आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर देश के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की, जैसे उत्तर प्रदेश में 71 जिलों में 73,000 लोगों को खुद का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिया गया। पूरे भारत में अभी तक 2 करोड़, इस साल की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को फ्री में बिना 1 रुपए लिए बिना गैस सिलेंडर चूल्हा दिया गया है। वैसे ही कई सरकारी योजनाएं चालू की गई हैं महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए, जनधन योजना के अंतर्गत, जिसमें महिलाओं को रुपया अलग मिल रहा है, कन्याओं को रुपया अलग मिल रहा है, और जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है उनके परिवार को प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि की भी योजना चालू कर दी गई है। आपको सिर्फ आवेदन करने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए, तो आपका हम समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। आवेदन कैसे करना है और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप लोगों को प्रति महीना 1,500 रुपए की धनराशि मिले, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, इस योजना के अंतर्गत आप तभी जुड़ सकते हैं जब आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी, मतलब आप लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप लोगों का जनधन खाता नहीं है तो आपको जनधन खाता खुलवाना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की हर सरकारी योजना का फायदा सिर्फ आपको जनधन खाते में मिलेगा और जनधन खाता खुलवाने में 1 रुपये नहीं लगता है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जनधन खाता अगर पुराना है तो उसको आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कराना होगा, वरना आपको कोई भी रुपये आपके सीधे जनधन खाते में रुपये में नहीं मिलेगा। और चौथा, अगर आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ एक निःशुल्क आवेदन कर दीजिए जिसके बाद आपको प्रति महीना 1,500 रुपये की धनराशि मिलना चालू हो जाएगी। अब आवेदन किस योजना के अंतर्गत करना है चलिए वो भी आपको बताते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें आपको, हमारे चैनल के माध्यम से महाप्रतियोगिता कराई जा रही है जिसमें 5 लोगों को चुना जाएगा और 5 लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना उत्तर देना है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। जो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देगा, वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, और जिनका नाम हमारे कंप्यूटर पर आएगा उनमें से 5 लोग चुने जाएंगे इस हफ्ते, और आपका मोबाइल आपके घर तक सीधे पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको बनो, हमारे देश में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में 6 रुपए सालाना मिलता है। वैसे ही जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है। अब ये कौन सी योजना है? ये वो योजना है भाई बहनों जिसके अंतर्गत अगर आप लोग 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच में जुड़ जाते हैं उसके बाद आपको प्रति महीना 50 रुपये से लेकर 250 रुपये, 300 रुपये जमा करना होता है। जैसे ही आप स्कीम लेते हैं, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पहुंचती है, आपको एक निर्धारित पेंशन मिलना चालू हो जाती है। आपको स्पष्ट कर दें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देश के गरीबों को, मजदूरों को, विकलांगों को, किसानों को, बेरोजगार वर्ग के भाइयों बहनों को मद्देनजर रखते हुए बनाया है मोदी सरकार ने और चालू किया है, जिसके अंतर्गत करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ये योजना के लिए आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना होगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आपको हर सरकारी योजना का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रति महीना आप लोगों को जो पैसा मिलेगा उससे आप लोग अपना वृद्धपन जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, इसी तरीके की हर सरकारी योजना को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब